जब भी सांप का जिक्र होता है हमारे दिमाग में कोबरा का नाम जरूर आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोबरा दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से है। भारतीय कोबरा के अलावा किंग कोबरा के बारे में भी आपने अवश्य सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोबरा की कौन सी प्रजाति ज़्यादा खतरनाक होती है। हालांकि भारतीय कोबरा हो या फिर किंग कोबरा, दोनों ही प्रजाति के सांप किसी की जान लेने से बाज नहीं आते हैं। किंग कोबरा इंडियन कोबरा से ज़्यादा बड़े और लंबे होते हैं। इनकी लंबाई औसतन 19 से 20 फीट होती है। इनका वजन 7 से 8 किलो के बीच होता है। यह सांप हल्के पीले या फिर क्रीम रंग के होते हैं, जिनके शरीर पर पीली या सफ़ेद धारियां होती है। इनका सर काले चमकीले रंग के होते हैं। इंडियन कोबरा किंग कोबरा के मुकाबले छोटे होते हैं। इनकी औसतन लंबाई 4 से 7 फीट होती है। भारतीय कोबरा के फन पर सफ़ेद घेरे में कल बिंदु होते हैं, जो आंखों के समान लगते हैं। इंडियन कोबरा 24 घंटों में से 16 घंटे सोने में व्यतीत करते हैं। इंडियन कोबरा और किंग कोबरा में ज़्यादा जहर किंग कोबरा में होता है। आपको बता दें कि किंग कोबरा का नाम उसके व्यवहार के कारण रखा गया है, क्योंकि उसे खाने में इंडियन कोबरा को खाना पसंद है। हालांकि अगर आपको इंडियन कोबरा या फिर किंग कोबरा में से कोई भी सांप काटे तो मरने में कुछ मिनट का समय लगेगा, इसलिए आपको इस प्रकार के जीव जंतु से काफ़ी सतर्क और सावधान रहना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।